तुम्हारा बटन कहाँ है? बटन में कलर चेंज नहीं है, राइट? कस के बोलिए, चेंज कीजिए कलर, उसके अंदर लास्ट दिखाइए, खराब है दिखाइए ना भाई, वहीं से दिखाइए, दिख जाएगा। आप नहीं ऐसे बगल वाला आया होगा ना, इधर से दिखाइए, लास्ट से दिखाइए, इधर इसरो में खराब है, दिखाइए, दिखाओ, ठीक है ठीक है, आगे इसरो में क्या नाम है, वाइट शर्ट, इधर और नेक्स्ट बगल वाला दिखाइए, ठीक है। चलिए आई थिंक सब लोगों का हो गया, सब लोगों ने ट्राई किया, राइट? देख लीजिए आप भी पूछ रहे थे, बात मत करो रिकॉर्ड होता है, बात मत कीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, आज कंप्लीट किए आपने? बात नहीं हुआ है कल का, देख के बता रहा मुझे, क्या बात क्यों कर रहे हो, तुम लोग का डिस्कस करना जरूरी है, आइए आइए, आवाज जा रहा तुम लोग का बॉडी है, ठीक है। हम लोग का बटन देख रहे हैं, आप लोग देखे होंगे, बैठ जाओ, ना सबको डिस्प्ले, आप लोग देखे होंगे कहीं केवल केवल स्ट्रोक रहता है बटन, राइट? ठीक है, वो हम लोग देते हैं, उसके बाद देखेंगे ना मोबाइल में कैसे रन करते हैं, डाटा कॉल सबको लाए होंगे आई थिंक, कौन कौन नहीं लाया ठीक है, ठीक है, बात नहीं, बात नहीं, रन नहीं करेगा आपके फोन, ठीक है, ठीक है, बात मत करो, मैम ग्रुप में डे वन ही डलवा दिया था सर, डाटा के साथ में लाएंगे सबको, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप खड़ा होइए, बटन ये कैसे डिजाइन किए, प्रोसेस बताइए, आपका 500 गया, क्या नाम नोट डाउन कीजिए, इधर से श्योर हो, खड़ा अंदर जी, कोई गर्लफ्रेंड से खड़ा हो जाइए, हाँ। अच्छा ये फाइल कहाँ पे बनाते हैं, बात मत करो, रिसोर्स में, राइट, ठीक है, सेम चीज हम लोग प्रोसेस करेंगे, फॉलो करते हैं, रिसोर्स मैनेजर में गया, अच्छा उससे पहले एक और चीज, मैं सारे टैब को क्लोज कर, उस दिन आप लोग क्लोज कर दिए होंगे, आई थिंक किसी किसी का बाय मिस्टेक हो गया होगा, नहीं भी गया तो बाय मिस्टेक हो भी गया होगा, कैसे ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट में गए, जावा में गए, ये जावा का हो जाएगा, रिसोर्स में गए, ले आओ इसमें नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है,
फिर से रिपीट कर, मुझे पे क्लिक किए, यहाँ पे एंड्रॉइड होना चाहिए टॉप में, विजिबल है ना? ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, मैं देख कर, ठीक है, रिसोर्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे अगेन हम लोग, ठीक है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, ग्लोबल रिसोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम देंगे, ठीक है, क्लियर है? लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे बटन थ्रो करेंगे और यहाँ पे हम लोग रूट रूट एलिमेंट में क्या टाइप करेंगे, ओके, फिर हाँ एस एच ए पी, ठीक है, क्लियर है, सब लोग साथ साथ करेंगे, रुकिए बोलिए, हाँ ओके कर देंगे, ठीक है, हाँ फिर से हम लोग बटन का, लेकिन डिफरेंट टाइप का बटन, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रोक लेंगे, ठीक है, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हम से डिफाइन है, ओके, ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, पता नहीं क्या हाथ ध्यान, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ तक क्लियर है, बटन सेकेंडरी, आप अपना अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बटन रेड देते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक, तो ब्लू दे देते हैं, स्ट्रोक से मैंने बनाया है, हेलो भाई जूम करने में क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे स्ट्रो, ठीक है, दो चीजें यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, कलर एंड वेट, कलर देते हैं यहाँ पे ब्लैक देंगे, क्लियर है, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस देकर के वेट देंगे 1 डिग्री, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ, यहाँ तक दिख रहा है, स्प्रिंट से आप कोड पे कर लेंगे तो आपको दिख रहा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, अब हम लोग कलर दे, कॉर्नर रेडियस 20 डिग्री, क्या हुआ, हाँ जी कंप्लीट है, कल का दिखाइए, क्लियर है यहाँ तक, अब हम लोग स्प्रिंट पे जाएंगे, आप लोग को कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ज्यादा देखना तो हम यहाँ पे कलर चेंज, ठीक है, और नहीं तो व्हाइट भी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है,
ठीक है, हो गया आगे यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, स्प्रिंट पे जाएंगे जी। अगर आपको कभी कभी देखे होंगे कि जो है यहाँ पे नहीं दिखा, अभी मेरे केस में होता क्या है, कभी कभी रेंडर में इशू हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर सिंटेक्स याद है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये रन कर जाएगा, ठीक है। ये होता है एक्चुअली, होता क्यों, ये आपका सिस्टम कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर आपका हाई कॉन्फिगरेशन सिस्टम रहेगा रेंडर इजी कर जाएगा, ठीक है। लाइक i5 16 GB रैम ये सब होना चाहिए, नहीं, हाँ एक अलग डिफाइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो जावा में कोड लिखिए, नहीं नहीं तो फिर आपको कोड लिखना पड़ेगा फिर जावा, ठीक। स्ट्रोक का क्या मतलब, देखिए यहाँ पे नोटिस किए होंगे हमने क्या दिया, एक स्ट्रोक या कलर, ठीक है, राइट। और विड्थ दिया हमने 5 dB, नोटिस किया मोटाई हम लोग जो है विड्थ डिफाइन कर, ठीक है। और ये रेडियस जो हम लोग को कितना कॉर्नर से कर्व होना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दे, स्ट्रोक का काम हम लोग कॉर्नर में जो कलर देते हैं ना उसके लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब नोटिस किए होंगे आप लोग, वेव में नहीं पढ़े क्या, रेडियस वगैरह वेव में होगा, हाँ बड़ा कर, देखिए हम लोग यहाँ पे व्हाइट नहीं देते कलर, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन का जो है ना कलर भी व्हाइट, हम लोग यहाँ पे जो है ना ब्लू या फिर ब्लैक या फिर कुछ भी अपने बॉडी दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक और बटन लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे हम लोग, आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, आप लोग खुद से राइट करेंगे, ठीक है। मैं कॉपी कर दिया, लेकिन आप लोग खुद से राइट करेंगे कोड को, लुक ये हम लोग यहाँ पे चेंज कर दिए बैकग्राउंड, और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हालांकि आप लोग तो प्रीफर्ड है कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में भी देख सकते हैं क्या सर, नहीं रिक्वेस्ट करेंगे तो, और क्लियर यहाँ तक, कल मैंने सोर्स कोड शेयर किया था आप लोगों के साथ,
किन किन ने डाउनलोड किया है? बस एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, 100 हाँ। अच्छा, जिनका नहीं हुआ है वो हो गया यहाँ तक पीछे बताइए, हो गया ठीक है? और दिखाएंगे पीछे में, दिखाएंगे सिकंदर, सिकंदर नहीं है अनिकेत, बात मत करो, नहीं है ठीक है, उधर से दिखाएंगे, दिखाइए सर, उनका हो गया ठीक है, इधर से दिखाएंगे, ये साथी ठीक है, इधर थर्ड नंबर गर्ल्स में थर्ड रो, आप लोग दिखाइए, तो दिखाइए ना वहीं से, लेकिन आपको तो स्ट्रोक नहीं लगता, इधर से लास्ट में दिखाइएगा, लास्ट दिखाइए वहीं से, ठीक है, याद है, क्लियर है सबको? ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसको रन कैसे करते हैं अपने फोन में। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा एक और चीज, जिन बच्चों का आई थिंक इशू होगा रेंडरिंग में या फिर सिंटेक्स इशू, तो कल मैंने सोर्स कोड शेयर किया था ठीक है, उसको देखते हैं कैसे कॉपी करते हैं, इससे आप लोग को आइडिया हो जाए ठीक है। आई थिंक ये बैच ये शेयर किया था मैंने, क्लियर है ना? लास्ट में इसको क्लिक करेंगे, ये सारे फाइल ओपन होंगे, सबका कुछ ना कुछ काम ठीक है, ऐप को क्लिक करेंगे, देखिए एसआरसी में गए, मेन में गए ठीक है, दो फाइल यहाँ पे, एक रिसोर्स है, देखिएगा यहाँ पे जो फोल्डर है रिसोर्स में, सेम चीज आपको यहाँ पे राइट, और ये जितने भी फाइल है यहाँ पे शो हो रहा है फोल्डर में ठीक है। अगर हमें इन केस किसी स्टूडेंट का ये बटन में इशू है ठीक है, कि नहीं रेंडर हुआ, कैसे कॉपी करें ठीक है, क्या कोड ड्रॉएबल में ठीक है, हमने कल बटन रेड बनाया था ठीक है, इसको ओपन करेंगे, कोई भी अकॉर्डिंग अपना एडिटर हो गया सेम चीज, हुआ ओपन, ठीक है यहाँ बैच जो है जिस फोल्डर मैंने शेयर किया था, क्लिक करेंगे अगेन, क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐप में जाएंगे, ऐप फोल्डर में, अरे नहीं हुआ तो करेंगे छेड़खानी करेंगे फोल्डर के साथ, इसमें क्या है अगेन, तो व्हाट्सएप पे तो है, डाउनलोड कर दें, ऐसा इशू है तो रिसोर्स में गए, मेन में गए, देखिए रिसोर्स में गए, ड्राइवर हम लोग बनाए थे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन करेंगे, यहाँ पे ठीक है, बटेट इनको वो अपना कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रेंडर हो जाएगा, फिर इसके साथ चेंज करेंगे कि कलर चेंज करते हैं तो क्या होता है, रेडियस करते हैं तो क्या होता है, इसमें और भी कोई प्रॉपर्टी है क्या, अब कुछ है भी चेंज करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, हाँ ये खड़ा होकर बोलिए, खड़ा होके बोलिए,
भाई मैंने सेम फोल्डर को शेयर किया है, एकदम मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? आप लोग बहुत स्लो है, देख लीजिए अभी थर्ड क्लास है, अभी तक रन नहीं किए। अरे यहाँ भी कोई स्टूडेंट जिनका 6 GB रैम है? 16 GB वाले भी है, 4 GB वाले भी है, 2 GB वाले भी है, 2 GB और M1 चिप पे तो और नहीं सोचना। हम लोग देखते हैं जिनका 8 GB है, हम लोग दो तरीके से एंड्रॉइड फोन को रन करते हैं एप्लीकेशन को। एक तो यही पे हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास ऑलरेडी फिजिकल डिवाइस है, राइट, जो आप लोग यूज करते हैं हमारे मोबाइल फोन, ठीक है, सैमसंग का होगा, किसी का ओप्पो का होगा, किसी का वन प्लस का होगा, किसी का गूगल का होगा, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं? यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे, या फिर ठीक है, क्लियर है, ठीक है। देखिए या तो आपको यहाँ पे कर्सर दिख रहा है डिवाइस मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, नहीं तो अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, हो सकता है आपके किस में ऐप आ रहा हो क्या, या फिर नथिंग डिवाइस, नो डिवाइस करके आ रहा हो, नो डिवाइस, ठीक है, हाँ, या फिर क्लियर डिवाइस कर, ठीक है, या फिर डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे तो ये ओपन होगा अगेन, यहाँ पे जो क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और, इतना सारा आप लोग डिवाइस नहीं किए, क्रिएट किए होंगे, ये मेरा मना बनाया है, मैं इस पे काम करता हूँ, हर हर पे चेक करता हूँ कौन सा एप्लीकेशन पे रन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मेरा प्रोफेशनल लैपटॉप है भाई, तो मैं चेक करते रहता हूँ कौन सा डिवाइस पे रन कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए आपको इतना सारा नहीं दिखेगा, एक भी नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग क्रिएट नहीं करेंगे, बस पहले प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मैं बोलूंगा सबमिट तब ही कीजिएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपको आ रहा होगा फोन, और यहाँ पे ये डिस्प्ले का नाम आ रहा होगा, कौन सा पिक्सल लेना है, पिक्सल 6 प्रो लेना भी कुछ नहीं, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। इनकेस अभी आप लोग कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट स्टेबल नहीं है, यहाँ पे आप लोग का घर पे जाकर ट्राई करेंगे, मैं इसका वीडियो भी भेज दूंगा, क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्या क्या फॉलो होता है, बस मैं आपको एक प्रॉपर वे बता दे रहा हूँ, ठीक है। पिक्सल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को जो है ना दिख रहा होगा बहुत सारा, अभी फॉलो करेंगे सेम, पिक्सल 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, हाँ 4 कोई भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, हाँ 4 ले लीजिए, ठीक है। देखिए इसके बाद ये विंडो ओपन हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये हमें बोल रहा है मेरे केस में 2 डाउनलोड ऑलरेडी डाउनलोड दिखा रहा है, आप लोग के केस में ये बहुत सारा डाउनलोड नहीं आ रहा होगा, डाउनलोड का आ रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जाकर इसको क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा, ठीक है, लेकिन अभी कैंसिल करते हैं, लोकली कैसे, लोकली बताते हैं, ठीक है, पहले इसको बता दें, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड जैसे मैं इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरा आईडी है, एंड्रॉइड गेम जो है मेरा डाउनलोडेड है,
इसमें भी मेरा एंड्रॉइड 8 जो कि एंड्रॉइड 11 है वो मेरा डाउनलोडेड है मेरे केस में। हाँ वर्जन का नाम है एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 10, 5, एंड्रॉइड 9 का है, ओरियो 8 का है, ठीक है। एंड्रॉइड का वर्जन मैं आपको पहले ही क्लास में एंड्रॉइड के एवोल्यूशन बताया था हिस्ट्री कि कैसे कैसे जो है ना मेरा प्रॉब्लम का अच्छा एक्सएम का इशू आ रहा है। वीडियो मैंने एक ग्रुप शेयर किया था उसको देख लीजिए, वो इंटरनेट का इशू, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे फिनिश कर देंगे ना आपका एमुलेटर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं करना है, नहीं करना है अभी, ठीक है। देखिए जितना हो सके कम से कम 10 डाउनलोड जोड़ लीजिए, ठीक है। हाँ एंड्रॉइड 10, अगर आपका रैम ज्यादा है तो i5 प्रोसेसर है, i7 है या फिर मैकबुक है जिनका तो सोचना है तो जो है वो कर सकते हैं, लेकिन 10 लेके चलेंगे, ठीक है। उसमें भी चलेगा, एटलीस्ट 8GB रैम होना चाहिए, 8GB 4GB उनके लिए बताता हूँ, ठीक है। आप केबल लाए होंगे, आप लोग कौन कौन लाए हैं, कौन कौन नहीं लाए हैं? आप लोग तो नहीं लाए लेकिन डे वन से हम लाए हैं, दो दिन बात नहीं। कीप साइलेंट, सबको निकालेंगे ज्यादा केबल। और डेवलपर ऑप्शन कौन कौन ऑन किया है? नहीं फोन में, वीडियो मैंने सेव किया था, डेवलपर ऑप्शन को कैसे ऑन करते हैं अपने मोबाइल फोन में। कीप साइलेंट, इशू क्या हो रहा है उनको, वीडियो नहीं आया, वीडियो आया है आप लोग नोटिस नहीं किया होंगे। बात मत करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? अगेन ठीक है, अगेन मैं उस वीडियो को शेयर कर दूंगा, लेकिन ये इज नॉट अ गुड थिंग। एक ही चीज को बार बार रिपीट करना ये टाइम कंजप्शन है, आप लोग कुछ नहीं की कर पाइएगा, फिर बेवजह का टाइम जाएगा आपका भी और मेरा भी। देखिए एक मैंने वीडियो बनाया, दो वीडियो मैंने शेयर किया था, ठीक है। एक एमआई का है, एक सैमसंग का, ठीक है। दूसरा कहा गया था कि अगर का रियलमी का है, ओप्पो का है, वो अबाउट फोन में जाएंगे नंबर। हाँ एक बार सुनिए, देखिए कोई भी वीडियो को नहीं तो कह क्या रहा है, एक बार उसको सुनिए, ठीक है। ठीक है उसमें तो आपको जो है सुनने का कहा कि कह क्या रहा है, मेरे पास इस फोन में नहीं है तो क्या, उसमें बहुत सारा दिया हुआ। डेवलपर ऑप्शन ऑन करेंगे, ट्राई करेंगे और उसमें देखे होंगे। बात मत करो, तुम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हो? ये मेरा फोन का है, इधर ये मेरा वर्चुअल डिवाइस नहीं है, ये मेरा ये रियल डिवाइस, ठीक है। मैं कैसे यहाँ पे विजुअल करते हैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। पहले अभी हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन को कैसे ऑन करते हैं, ठीक है। सेटिंग पे जाएंगे, अबाउट डिवाइस पे जाएंगे, ठीक है। वर्जन पे क्लिक करेंगे, बिल्ड नंबर पे क्लिक करेंगे, हम 5 मेरे को बोल रहा है यू नीड अ डेवलपर ऑलरेडी अ डेवलपर, ठीक है। आप लोग ट्राई करेंगे, हाँ नहीं
हाँ ये फोन है ठीक है, ये फोन है कि नहीं का मैं इसको ट्राई करता हूँ रियल टाइम। देखिए इसके लिए एक ओपन सोर्स सी आर सी ड्राइव करके उसको डाउनलोड करना पड़ता है। बात मत कीजिए आप लोग फर्स्ट में। ये किन्हीं का ये फोन है पहले हम लोग देखते हैं कि डेवलपर ऑप्शन कौन करते हैं और यहाँ पे कैसे ठीक करो उसको बाद में देखेंगे ठीक है। पहले ये क्लियर हो जाएगा वो भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है सेम प्रोसेस। पहले ये फर्स्ट प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस ये है तो पहले फर्स्ट प्रोसेस को समझ सेटिंग पे जाएंगे अबाउट डिवाइस पे जाएंगे अबाउट डिवाइस नहीं तो सर्च कर देंगे दोनों हो सकता है सबके किस्म अलग अलग ठीक है। फिर वर्जन पे क्लिक करेंगे लेकिन बिल नंबर आपको सबको दिख रहा होगा 5 टाइम से यहाँ पे क्लिक करना है 5 टाइम। अरे भाई ठीक है बहस मत करो हो सकता है 7 टाइम हो मेरे फोन में 5 टाइम से इसी और उस पर फोकस नहीं करेंगे लेकिन जब तक ऑन नहीं हुआ जब तक ट्राई करेंगे। बिल नंबर पे क्लिक करना है बिल नंबर पे सर कुछ और ठीक हो गया नहीं नहीं ये नहीं नहीं इनका लॉक हो गया हाँ ठीक है ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर एनेबल होगा ठीक है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट किंदा किंदा अभी ट्राई किया हुआ है हाँ क्या करेंगे संपर्क हो गया आई थिंक 50% का हो गया ठीक है दबाव भी करेंगे ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इधर देखिएगा सर्च करेंगे डेवलपर बात नहीं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगेन हम लोग रिपीट करते हैं यहाँ पे सर्च होगा सेटिंग में यहाँ पे डेवलपर सर्च
करेंगे, ठीक है, गॉट इट। डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप इंश्योर कीजिएगा यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए, ठीक है, हर टाइम। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखे होंगे ईवीएस डिबगिंग आपने ऑफ होगा, ऑन करेंगे, हाँ जिनका ऑन है उनका ऑन, ऑफ है जिनका ऑन, सर्च भी कर लेंगे। फाइल ऑफ कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग ऑन करेंगे, ठीक है, हो गया सबका, किनका किनका नहीं हुआ है, डेवलपर ऑप्शन हो गया लेकिन यूएसबी डिबगिंग नहीं हुआ, ट्रैकिंग हो गया, ठीक है, ये ऑन करेंगे। अब देखिए हाँ मेरा ये डिवाइस ये ऐसे शो क्यों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट किए मेरे लैपटॉप में शो कैसे, डेवलपर ऑप्शन का ये मतलब होता है ये बात मत करो सर बता रहे, सेकंड बेंच नहीं रुक जाओ अभी रुक जाओ, ये हमें ऑप्शन देता है कि अपने लैपटॉप से ऐप को रन कर सकते, ठीक है, और जो हम लोग ऐप को ट्राई करें डिबग कर सके कि मेरे बोर्ड में कहां पे लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि अगर आप अभी फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे फोन आ रहा है मैं यहाँ से ऑफ कर दूं तो कुछ नहीं दिखेगा आप लोग को, ठीक है, कौन है भाई अभी अलाउ करता है एंड्रॉइड फोन के डेवलपर ऑप्शन के ऑन कर लेंगे तो आप अपने फोन से इसमें रन कर सकते हैं डायरेक्ट आए, ठीक है, इसके लिए हम लोग ऑन कर और भी फैसिलिटी दे दी है हमें, जो अगर आप डेवलपर हैं मतलब इन द सेंस आप इसके टेक्निकल चीजों को समझते हैं कैसे काम करता है, ये ऑन करते हैं तो क्या होगा, ऑफ करेंगे तो क्या होगा, हम समझते हैं ये यहाँ क्वेश्चन था आपका कि जो ये यहाँ पे कैसे शो हो रहा है। फर्स्ट प्रोसेस आपका लैपटॉप और फोन सेम वाईफाई में कनेक्टेड होना चाहिए, फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, सुनिए इधर आपका क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी जो अभी लैपटॉप कनेक्टेड है मेरे ही फोन से हॉटस्पॉट ऑन है, फिर भी मेरा शो हो रहा था ना, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा चीज एक SCR CPUI करके एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन जो है आपको जो है ना वायरलेस डिवाइस यहाँ पे स्क्रीन मिरर करता है और भी बहुत सारे जो स्क्रीन मिरर शो करेंगे, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम इसी फोन में हम अपने फोन अभी जो हमने डिजाइन किया इसको रन करते हैं, राइट, यहाँ पे आ गया होगा आप लोग को टॉप में रियलमी RM3521, आपके केस में आप वीवो का होगा, किसी का फोन MI का होगा, किसी का ओप्पो होगा, किसी का पिक्सल का होगा, किसी का अलावा के वो भी अच्छे फोन आजकल बना, किसी का इन्फिनिक्स का भी होगा, आई थिंक हाँ मेरे को बता चाहिए, ये कनेक्टेड होना चाहिए, किनका कितना शो कर रहा है करेंगे बस आगे सर, ठीक है, कोई हाँ वाईफाई से भी कर सकते हैं, हाँ अच्छा हाँ ठीक है, ये भी बताते हैं हम सबको, आई थिंक सबको अपना ये ऑन कर लिए होंगे, कनेक्टेड है लैपटॉप, ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, किन्हीं किन्हीं के फोन में वाईफाई आ रहा है, यहाँ पे वायरलेस की बुकिंग करेंगे, कैंसिल करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे मेरा कर्सर लिखिएगा, माउस कर्सर, ठीक है, यहाँ पे ऑन करेंगे, ठीक है, सेम फोन सेम लैपटॉप से कनेक्टेड होना चाहिए वाईफाई के थ्रू, तब होगा, मोबाइल और लैपटॉप सेम नेटवर्क में कनेक्टेड होना चाहिए, मोबाइल और लैपटॉप
सेम नेटवर्क में कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि उसे मांग लिए कि भाई शेयर कर दो हॉटस्पॉट, वैसे नहीं काम करेगा। हाँ, दोनों सेम नेटवर्क में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे अलाउ करेंगे, ठीक करेंगे और यहाँ पे अलाउ कर देंगे, राइट। नहीं, अब हम यहाँ से रिमूव कर दें। देखिए, क्योंकि टाटा को किन बराबर टाटा का है टाइप सी का एक शेयर करेंगे मेरे साथ। ये चैलेंज देखेंगे हम लोग कर क्या रहे हैं। इसको समझिएगा, आपका जो रेंडर का इशू आ रहा था ना कि मेरा दिख नहीं है, वो सब इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखिए मेरा ये फोन ओपन है, ठीक है, और ये मेरा फोन का राइट, ठीक है। यहाँ पे मेरा फोन आ रहा है, इनका फोन नहीं आ रहा रियल में, राइट, क्योंकि मेरा फोन अभी डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, हम लोग वाईफाई से कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन आ रहा होगा, सेम चीज हम लोग यहाँ पे ऑन करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। हाँ ओपन करके ये ऑप्शन आएगा विंडो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं वायरलेस डिबगिंग पे, क्लिक ऑन करने के बाद और यहाँ पे आ रहा होगा स्कैन करने का, स्कैन की बात हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम स्कैन देखिए, अगर स्कैन नहीं हो पा रहा है दो चीजें आपको दिखेगा वहां पे, पेयर डिवाइस पेयरिंग कोड, उस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्चिंग डिवाइस आएगा, सर मोबाइल, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पेयर करेंगे, यहाँ पे कोड आपसे मांगे, मेरे केस में ये कोड है, तुम्हारा
सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दो चीजें डिवाइस दिख रहा है, रियलमी का इनका और मेरा ओप्पो। ठीक है, गेम देखते हैं। किंगा किंगा नहीं हुआ सर, इसमें वायरलेस करते हैं तो सर एक बार शुरू से करके दिखा दीजिए, शुरू तो फिर बता के बोलेगा। ऑन रखना है, आउटपुट ऑन रखना है, ऑन भावनाएं को समझेंगे, वर्ड में नहीं जाएंगे। सर वर्जन जिसका नहीं है अरे देखें इनका के एंड्रॉइड 10 होगा शायद, उन लोगों को इशू आ रहा होगा, उन्हें सपोर्ट नहीं करता आई थिंक। 11 से ये सपोर्टेड है तो अपना डेटा केवल से कनेक्ट करेंगे। कीप साइलेंट, बात कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, सबको रन कर इंजन या कनेक्टेड है तो डाटा कॉल से कनेक्ट कर लीजिए, वो भी नहीं लाया हूँ तो बगल वाले से मांग लीजिए। लेकिन ये वन टाइम है, ठीक है, जो भी इंटरनेट का रिकॉर्ड में ये वन टाइम है, ठीक है। ठीक है, मेरे केस में यहाँ पे ग्रेडल भी डाउनलोड हो रहा है तो, लेकिन ये वन टाइम है। बात नहीं, एक के साथ मैं अपना डाटा कल शेयर कर सकता हूँ, वायरलेस करो, ठीक है, वो भी करवाएंगे, पहले ये प्रोसेस को हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी पहले अपना वायरलेस से कनेक्ट कर लेता हूँ अपना लैपटॉप को, उसके बाद आप लोगों के साथ डेटा कॉल शेयर करता हूँ। इनका भी रन कर रहा है, आगे सीधी का नहीं, डायरेक्ट नहीं ना, वाईफाई से कनेक्टेड हुआ नहीं हो रहा है, वही तो कर रहे सही है। ठीक है, आगे आप लोग कर लिए, उनका हो गया, नहीं हो रहा की चैलेंज। सर एक बार स्टार्टिंग सिखा दीजिए, सभी बच्चे नहीं तो डिस्कस करते रह जाएंगे। ठीक है, रुकिए, बात करने का इनको मौका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात बताएंगे इन्हें कि वन बाय वन, एक रोल एक को बताएंगे, बाकी सब शेयर करेंगे।
बात नहीं, बात नहीं। इसीलिए मैंने बोला था कि जिनका जितना इशू है वो 745 में आ जाएंगे, मैं टेक्निकल इशू रिजॉल्व कर दूंगा, कल से आ जाएंगे। जिनका जिनका इशू है, टेक्निकल इशू, सिंटैक्स इशू, सेटअप इशू, वो आ जाएंगे। रन कर गया नहीं कर गया बात नहीं रुको एक मिनट लैपटॉप लेके लाइन लगा साफ बिल्कुल देखने लगा सबको रहेगा क्या तुम इनका जिनका इशू है यहाँ पे आके सामने में रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इनका कुछ इशू है, हो सकता है आपके साथ भी इशू हो। देखिएगा जो जो रन कर रहे हैं किए होंगे रन, उनको ये हो सकता है 32 का इशू आया हो, ठीक है। कैसे फिक्स करते हैं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ग्रेडर के नीचे सेकंड नंबर बिल्डिंग ग्रेडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 32 है, ये 33 करेंगे, ठीक है। ये होता क्या, एक है कंपाइल एसी के, एक है मिनिमम एसी के, एक है टारगेट एसी के। पढ़ाए होंगे हम आपको मिनिमम एसी के, ठीक है। मैं नहीं था ए1 में बताया था आपको कि
लॉलीपॉप लेके चले गए या पुल क्रिएट करते हैं, ठीक है 5.0 वहाँ पे 50 नंबर 21 है, ठीक है वही है। कम से कम इतने एसडीके पे तो काम करेगा ही करेगा, इससे लोएस्ट नहीं चाहिए, इतना तो रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है वो हम लोग देते हैं, ठीक है। और कम फाइल मेरा अभी कोड रन कर रहा है इस एसडीके पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट पे जिसपे मैं रन कर रहा हूँ वो 33 है, और टारगेट हम लोग टारगेट कर रहे हैं कितना तक रन करना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या कहता है गूगल कहता है आप जब भी रन करें तो लेटेस्ट वाला यूज कर, ठीक है अभी 33 है। क्या नहीं समझे अगेन बोलिएगा, ये इशू पहले Gracias.